दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय जीतू भाई पे। और आज हम लेके आए हैं चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से, टॉपिक है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जिसमें हम आज इसका डेरिवेशन प्लस इसका न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब कोई भी साइक्लिस्ट साइकिल चलाता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, तो आज हम पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो देखेंगे बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम लिया हमने, जो साइक्लिस्ट है राउंड अगर सर्कुलर पाथ पे कर्व पाथ पे मूव करता है तो कौन-कौन से फोर्स लगते हैं, उसका वेट कहां एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका अपवर्ड डायरेक्शन में r cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन कहां एक्ट करेगा जहां वो पेडलिंग कर रहा है जिस डायरेक्शन में, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है उसका r sin थीटा, एंगल उसके बीच का कितना होता है बच्चों, थीटा। एंगल कितना होता है थीटा। तो देखेंगे इधर, व्हेन अ साइक्लिस्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, और कर्व पाथ, तो उसे किस चीज की जरूरत होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। किस चीज की जरूरत होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स। देन इट रिक्वायर्स सेंट्रीपेटल फोर्स। अगर कोई भी साइक्लिस्ट एक सर्कुलर पाथ के अलोंग या कर्व पाथ के अलोंग मूव करता है तो उसे किस चीज की जरूरत होती है, सेंट्रीपेटल फोर्स की। किसकी जरूरत होती है बच्चों, सेंट्रीपेटल फोर्स की। अब जो नॉर्मल रिएक्शन होता है फोर्स का, वो कहां एक्ट करता है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वेट का एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट का एक्ट करता है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड का जो नॉर्मल रिएक्शन होता है किसका बच्चों, ग्राउंड का, वो बैलेंस करता है किसको, उसके वेट को बैलेंस करता है, किसको, वेट को बैलेंस, इट्स वेट, बैलेंस इट्स वेट, किसको बैलेंस करता है, वेट को। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो किसको बैलेंस करता है, वेट को। किसको बैलेंस करता है, वेट को। और जो फ्रिक्शन होता है रोड और टायर के बीच में, एंड द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एसोसिएशन। क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एसोसिएशन, सेंट्रीपिटल एसोसिएशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से वो क्या कर पाएगा, मूव, क्या कर पाएगा, मूव। तो दोबारा समझेंगे बच्चों, हमने एक क्रॉस सेक्शन डायग्राम लिया था एक साइक्लिस्ट का जो साइकिलिंग कर रहा है कर्व पाथ के अलावा, तो जो उसका नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां एक्ट करेगा, अपवर्ड। उसके वेट को कौन बैलेंस करेगा, एमजी, आर कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एमजी। और जो आर साइन थीटा वो क्या प्रोवाइड करेगा उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। नोट करेंगे बच्चों यहां तक जल्दी, तो बच्चों आगे देखेंगे हम। अब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, बाय इक्वेटिंग द फोर्स अगर हम फोर्स को इक्वेट करते हैं तो r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा बच्चों, mg को। ये इक्वेशन फर्स्ट। r sin थीटा की वजह से क्या प्रोवाइड हो रहा है हमको, r sin थीटा की वजह से क्या प्रोवाइड हो रहा है हमें, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या प्रोवाइड हो रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों हमारा कितना होता है, mv² upon r। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय किससे फर्स्ट से। तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू mv² upon r, अपॉन में क्या आएगा बच्चों, mg, अपॉन में क्या आएगा, तो m से m कैंसिल, r से r। हमने पढ़ा है क्लास 10th में sin थीटा अपॉन cos थीटा हमारा tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू v² upon r। ये एंगल आ गया हमारा कि किस एंगल पे हमें साइक्लिस्ट को मूव कराना चाहिए जिससे कि वो आसानी से सर्कुलर पाथ को कवर कर सके, सर्कुलर पाथ को कवर कर सके। नेक्स्ट इसके बाद एक स्टेटमेंट देखेंगे छोटू सा,
अगर बाई चांस आपको थीटा निकालना तो टेन को उधर भेजेंगे तो ये हो जाता है टेन इनवर्स। क्या हो जाता है बच्चों? टेन इनवर्स। तो बी स्क्वायर अपॉन कितना? आर जी। अगर आपसे पूछे एंगल जो है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस। किसकी? सर्कुलर पाथ का। किसकी? सर्कुलर पाथ की। देयरफॉर एंगल ऑफ साइक्लिस्ट डिपेंड्स अपॉन द किस पे बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। और दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज क्या है? वेलोसिटी। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कि वो साइक्लिस्ट कितनी तेजी से पैडल मार रहा है। ओके बच्चों, नोट करेंगे जल्दी। तो बच्चों आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। एक साइक्लिस्ट स्पीडिंग साइकिल चलाता है कितने की स्पीड से? 18 किलोमीटर पर आवर एक लेवल रोड पे, और एक सर्कुलर टर्न लेता है, श्याम मुड़ जाता तेजी से, उसकी रेडियस कितनी है सर्कुलर टर्न की? 3 मीटर। विदाउट रिड्यूसिंग हिज स्पीड, अपनी स्पीड को कम किए बिना वो टर्न मार देता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है हमारा? 0.1। आपको बताना है क्या वो साइक्लिस्ट स्लिप होगा? क्या वो साइक्लिस्ट स्लिप होगा जब वो टर्न ले रहा है? रेडियस है सर्कुलर पाथ की 3 मीटर। कोएफिशिएंट रोड और टायर के बीच में उसका कितना? 0.1। और साइक्लिंग जो कर रहा है वो कितनी स्पीड से कर रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर से। तो हमको बताना क्या वो स्लिप होगा, तो उसको निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में। किसी भी गाड़ी को जब हम बैंकिंग ऑफ रोड भी बताया था उसमें एक फॉर्मूला निकल के आया था हमारा उससे पहले। वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता अंडर रूट में म्यू जी आर, अंडर रूट में म्यू जी आर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए जब वो सर्कुलर टर्न ले रहा है? तो देखेंगे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें कितना दिया हुआ? 0.1। ग्रेविटी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली? 10। और रेडियस कितनी दी हुई है? 3। कितनी दी हुई है? 3। 10 का मल्टीप्लाई 0.1 से तो 1 हो गया, और 1 × 3 = 3। अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी उसको मैक्सिमम स्पीड अपनी कितनी रखनी चाहिए थी? 1.732 मीटर पर सेकंड। लेकिन वो जो साइकिलिंग कर रहा है उसकी खुद की स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18। तो 18 से 18 कैंसिल, उसकी खुद की स्पीड कितनी है उस समय? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन मैक्सिमम होनी कितनी चाहिए थी? 1.732, यानी v जो है वो ग्रेटर है v मैक्स से भी। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। इट विल स्लिप। क्या हो जाएगा बच्चों? स्लिप। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसमें मैक्सिमम सेफ स्पीड बतानी है किसी भी कार की जो एक राउंड कर्व लेने वाली है। कितने मीटर की रेडियस का? 16 मीटर। एक लेवल रोड पे, एक लेवल रोड पे। तो यानी रेडियस हमको कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। अब आपसे कह रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, यानी म्यू की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है? 0.80। Am I right? अब हमें निकालना क्या है इसमें? वी मैक्स सेफली, वी मैक्स। तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा अंडर रूट में म्यू जी आर। तो म्यू की वैल्यू कितनी बच्चों? 0.8। जी की वैल्यू 10। आर की वैल्यू बच्चों 16। तो 10 × 8 कितना हो जाएगा? 0.8 से मल्टीप्लाई कराओगे 8 × 16। अब इसको रूट से निकालना है, तो 16 को रूट से निकालेंगे 4 आएगा, इसको रूट से निकालेंगे ये आएगा 2√2। कितना आएगा बच्चों? 2√2। तो 4√2 जा कितना हो गया? 8। और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 × 4 = 32, 3 × 8 = 11, 1 × 8 = 32, 32 and 1 = 33 point, 8 × 4 = 32, 2 1 8 1 =
11 हुआ, 11 का 1, 1 8 4 जा 32, 33, 3 के 8 बन जाए 11, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा 11.312 मीटर पर सेकंड।